तो देखिए लेक का कोना बिल्कुल यह है, तो ये देख सकते हो आप लोग। तो देखिए इस टाइम मैं हूँ भीमताल के तल्लीताल और गाड़ियाँ ना यहाँ पार्क कर सकते थे, तो अभी मैं था उस टाइम पे, तो देख सकते हैं आप लोग ये सामने देख रहे हैं ना अभी अगले दिनों में हो जाए तो यहाँ सब गाड़ियाँ देख सकते हैं कि सब हल्द्वानी को जा रही है, हल्द्वानी से आ रही है। और यहाँ सात ताल जा सकते हैं, नौकिया ताल जा सकते हैं, गरुड़ ताल जा सकते हैं। तो ये देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ तल्ली ताल से मल्ली ताल की तरफ, और इधर से चले। दोस्तों कैसा आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। एक नए ब्लॉग के समय फिर आ गया हूँ आपका अपना जिसान ली, और जो आज आप देख रहे होंगे बिल्कुल अलग ही देख रहा हूँ, क्योंकि आज मैं एक अलग सिटी आया हूँ, यानी मैं आया हूँ नैनीताल से 22 किलोमीटर दूर भीमताल। और ये देख रहे हैं भीमताल की लेक प्लस साथ में टापू। तो यहाँ का मैं ब्लॉग देने जा रहा हूँ, यहाँ पर क्या एक्टिविटी है और सीज़न है, यहाँ पर कैसा ऑफ सीज़न है, पर्यटक कितना है, कैसा यहाँ का वेदर है, तो सारी मैं डिटेल देने वाला हूँ। आप आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं इस टाइम अगस्त या सितंबर में, आना सेफ है या नहीं है। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, कुछ इन करते हैं आज के ब्लॉग में। आज का ब्लॉग आप जरूर देखिएगा क्योंकि भीमताल का होने जा रहा है। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं भीमताल की हसीन वादियाँ। तो देखिए इस टाइम मैं भीमताल पहुंच गया हूं, और भीमताल में पानी छोड़ा गया है निकासी, ये देख सकते हैं आप लोग तो किस तरीके से पानी जा रहा है ये, और ये भी जाके शायद हल्द्वानी में मिल जाता है। तो ये भीमताल लेक का पानी है, ये देख सकते हैं आप लोग। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ और आगे दिखाते हैं आपको किस तरीके से है। और ये डैम है, तो यहाँ पर आप लोग पहले बाइक ही जाती थी शायद, यहाँ से अब रास्ता पूरा बंद कर दिया, तो अब बाइक नहीं जाती है यहाँ से ये। तो यह है देखिए भीमताल की लेक, और ये नैनीताल से बड़ी है, तो यहाँ पे आप लोग आके घूम सकते हैं। तो ये देख सकते हैं, और यहाँ से जा रहा देखिए पानी है, इसके चैनल गेट खोले हुए हैं। तो ये कुछ इस तरीके से नज़ारा है देखिए भीमताल लेक का। तो ये है नैनीताल से 22 किलोमीटर दूर, तो ये नैनीताल से बड़ी लेक है आकार में, तो भी आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे नज़ारा है ये। और यहाँ पे एक स्पेशल बात ये है कि यहाँ पे बीच में टापू है, ये देख रहे हो आप लोग टापू, तो ये स्पेशल है इसमें, इसमें एक्वेरियम भी है और कैफ़े भी है। और मैं तो बहुत पहले गया था जब इसमें एक सिंह मछली थी, तो ये टापू यूनिक है और काफ़ी जाना माना टापू है ये। तो ये देख रहे हैं आप लोग किस तरीके से दिख रहा है ये, और ये भीमताल की लेक में ही स्थित है। यहाँ से आप जा सकते हैं बोटिंग करके, तो बोट्स वाले आपको ले जाएंगे यहाँ से ले जाएंगे, देखिए तो यहाँ पे से कुछ इस तरीके से ले जाएंगे आपको टापू तक। और देखिए यहाँ भी पानी निकल रहा है, यहाँ भी छोड़ा गया है पानी, वो आगे से निकल रहा है उधर। तो ये देख सकते हैं आप लोग,
उधर निकलना है। तो ये पूरा घूमने का है यहाँ, पूरा घूम सकते हैं यहाँ पे। और धूप इतनी तेज़ हो रही है कि हालत ख़राब हो गई धूप में। तो यहाँ देखिए कुछ इस तरीके से बना हुआ है डैम, तो यहाँ पे घूम सकते हैं। तो देखिए लेक का कोना बिल्कुल यह है, तो ये देख सकते हो आप लोग, पूरा ये लेक का कोना है। और यह है नैनीताल से बड़ी लेक, और तो ये देख सकते हैं कितनी बड़ी लेक है ये। और बीच में टापू देख सकते हैं कुछ किस तरीके से टापू आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो ये कोना आके यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ये देख रहे हैं आप लोग। और ये बीच में टापू आ गया, उधर उधर वो वहाँ से लेक शुरू हो जाती है। तो कुछ इस तरीके से पहले यहाँ पे बाइक भी आती थी, लेकिन वहाँ से बंद कर दिया गया है। तो बाइक से ठंडी इसमें यहाँ पे भी ना माल रोड और ठंडी सड़क है। ये जो ठंडी सड़क ये वाली रोड है, ये हल्द्वानी निकल जाती है सीधे यहाँ से। जैसे हल्द्वानी 22 किलोमीटर है, बहुत मतलब आधे एक घंटे में आप हल्द्वानी पहुँच जाएंगे, आधे इस घंटे से 30 या 45 मिनट में हल्द्वानी पहुँच जाएंगे। तो सामने यहाँ से जा रही है रोड, तो सीधे हल्द्वानी निकल लिया और यहीं से घूमते हुए आते थे बाइक से। लेकिन यहाँ बाइक का आना जाना बंद कर दिया गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप फ्री माइंड घूम सकते हैं। तो इस टाइम मैं और यहाँ भी तल्लीताल मल्लीताल है, तो इस टाइम मैं हूँ तल्लीताल। तो ये है भीमताल का यहाँ पर तल्लीताल, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। और यहीं पे मेरा घर भी है, अभी मैं घर देख रहा था लेकिन यहाँ से दिख नहीं रहा है। तो हमारा घर भी दिखता है, जो ऊपर फ्लोर बना है तो वो दिखता है हमारे यहाँ से। तो कुछ इस तरीके से नज़ारा देखो ये। तो देखिए इस टाइम मैं हूँ भीमताल के तल्लीताल, और गाड़ियाँ ना यहाँ पार्क कर सकते थे, सब पार्किंग है गाड़ियाँ। तो यहाँ पर मैं बहुत आया हूँ, यहाँ घुमा हूँ, मतलब सामान लेने आता था, घूमने आता था, तो यहाँ पे मैं बहुत आया हूँ। क्योंकि यहीं इधर ही हमारा घर है, इधर से ऊपर वो रास्ता है, तो अपना घर है यहाँ पे भी। तो इधर की तरफ चलते हैं। तो ये देख सकते हैं, तो यहाँ से बोटिंग करने के बाद आप जा सकते हैं उस टापू पे, ये देख रहे हैं आप लोग टापू। तो ये है भीमताल और भीमताल की लेक्स। तो यहाँ से लेक कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है, देखिए। और बोट्स की कितनी कम चल रही है, बस दो ही पैडल बोट चलते हुए नज़र आ रही हैं सामने, कुछ इस तरीके से नज़ारा। तो अभी मैं था उस डैम पे, तो देख सकते हैं आप लोग। और पानी छोड़ा जा रहा है, तो पानी कम हो रहा है अभी, नहीं तो बहुत ऊपर तक पानी आ जाता था, यहाँ तक आ जाता था पानी। तो देखिए बोट्स सब लगी हुई हैं ये। अब बत्तख तो आपको हर कोने में मिल जाएगी, तो यहाँ से काफ़ी टूरिस्ट पर्यटक आते हैं, देखिए। तो ये देख सकते हैं आप लोग। तो ये है भीमताल, नैनीताल से 22 किलोमीटर दूर। और यहाँ का वेदर तो यार अलग ही है, बहुत तेज़ धूप हो रही है और गर्म बहुत लग रहा है। और ये देखिए कोहरा किस तरीके से उड़ते हुए जा रहा है ये। तो देखिए पहाड़ों में कुछ इस तरीके से बादल आते हैं, ये सामने देख रहे हैं ना अभी। और टापू की तो बात ही अलग है, देख रहे हैं सामने टापू आप, इसकी तो बात ही अलग है। और ये बादल, तो जैसा आप लोग देख सकते हैं इस टाइम मैं आ गया हूँ मल्लीताल से थोड़ा सा इधर, मतलब तल्लीताल और मल्लीताल के बीच में हूँ। तो यहाँ से आप टापू से देख सकते हैं किस तरीके से नज़र आ रहा है, और इधर से आप जा सकते हैं हल्द्वानी ठंडी सड़क से होते हुए, क्योंकि यहाँ भी ठंडी सड़क और माल रोड है। तो आपको हल्का हल्का यहाँ से गाड़ियाँ चलती हुई नज़र आ रही होंगी, ये देख सकते हैं। और यहाँ पे ना कई होटल बन रहे हैं, ये भी काफ़ी डेवलप हो रहा है भीमताल, तो आने वाले दिनों में नैनीताल को टक्कर देने वाला है। तो यहाँ भी काफ़ी रिसॉर्ट होटल्स और रेस्टोरेंट, मतलब यह है यहाँ मार्केट वैसी नहीं है जैसी नैनीताल में मार्केट है, लेकिन क्या पता आने वाले दिनों में हो जाए। तो यहाँ सब गाड़ियाँ देख सकते हैं कि सब हल्द्वानी को जा रही है, हल्द्वानी से आ रही है। और यह है लेक, कुछ इस तरीके से नज़ारा है लेक का, देखिए। और इधर की तरफ मैं कैमरा, तो जहाँ पे मेरा कैमरा है ना इधर की तरफ है मल्लीताल यहाँ पे। तो यहाँ से ना हमारा जो नैनीताल में रडार है, तो यहाँ से जहाँ पे टापू अभी मैं खड़ा था ना, उधर से दिखता है रडार वो। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये झील नज़र आ रही है, और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ही बोट्स चल रही है। तो ये देख सकते हैं, और इसका कलर जो है ना ग्रीन दिख रहा है। तो अगर आपको झील घूमनी है तो आप नैनीताल आ सकते हैं, भीमताल आ सकते हैं, सातताल जा सकते हैं, नौकचिया ताल जा सकते हैं, गरुकताल जा सकते हैं। तो इतनी झीलों में आप घूम सकते हैं, और यहाँ पे आप टापू में जा सकते हैं, एक्वेरियम है, कैफ़े हैं, तो आप चाय का भी ले सकते हैं फास्ट फूड का, और एक्वेरियम में एक से एक मछलियाँ भी देख सकते हैं। तो कभी कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा देखते हुए, तो ये देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ तल्लीताल से मल्लीताल की तरफ। और इधर से आप देख सकते हैं कि टापू पूरा गायब हो चुका है, टापू बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है। और
और ये है लेक। और लेक कितनी बड़ी है देखिए, देखते 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 मैं आ चुका हूँ मंडीताल की तरफ। और ये देखिए, ये है हमारी मालरोड, लेकिन बट नैनीताल की तरह मालरोड नहीं है, इसमें दुकानें भी नहीं है, लेकिन इसको मालरोड ही बोला जाता है। तो ये जा रही है नौगुचियाताल का रोड, ये देख सकते हैं आप लोग, भीमताल तल्लीताल और नौगुचियाताल रोड जा रही है। और यहाँ से फिर इस तरीके से नज़ारे देखने को मिलते हैं भीमताल के। तो ये है भीमताल के लेक, कभी भी आप आइए तो इस लेक में बोटिंग करिए, भीमताल घूमिए, टापू जाइए, पैराग्लाइडिंग होती है यहाँ पे, हॉट एयर बैलून का होता है, और यहाँ पे काफ़ी एक्टिविटी यहाँ पे भीमताल में होती है। तो आने वाले फिर अभी क्योंकि पैराग्लाइडिंग बंद है आजकल, तो बरसात चल रही है, तो सितंबर या अक्टूबर से फिर से पैराग्लाइडिंग शुरू हो जाएगी यहाँ पे। तो आप लोग पैराग्लाइडिंग ऊपर से दिखता है पैरा, तो यहाँ से आप पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं, काफ़ी एक्टिविटी आप कर सकते हैं। तो ये है भीमताल की लेक। तो इस टाइम में हूँ भीमताल, तो आज का व्लॉग कंप्लीट करते हैं। आज का व्लॉग आपको पसंद आया तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल जिस चैनल नैनीताल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब हम निकलने नैनीताल घर की ओर, क्योंकि तकरीबन 3 बज चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।